कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। हाँ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, कि जो बेमेल चीजें हैं उनको मिलाकर कोई चीज बनाई जाए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। बेमेल चीजों को मेल करके कोई चीज बना दी जाए और हमें बताया जाए कि बहुत अच्छी है, तो वो उस तब हम ये कहते हैं आपकी बनाई डिश इस प्रकार है जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। कहीं से ईंट लाई, कहीं से रोड़ा लाई और भानुमति ने परिवार जो है वो खड़ा कर दिया। हाँ जी हरमन, खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा। मैम मैंने तो वो आंसर देने के लिए हैंड रेस किया था। ओके वेरी गुड। अगला दिया, अगला बोलिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कोई काबिल व्यक्ति है, अगर वो खुद सामने नहीं आता है या उसके अच्छे काम या अच्छी काबिलियत तो सामने नहीं आती है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। काबिल व्यक्ति की काबिलियत का अगर वो खुद दर्शाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो राम बहुत बड़ा गणितज्ञ है लेकिन लोगों से बात करते शर्माता है, चाहे वो इतना अच्छा है, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये किसको पता है कि वो इतना अच्छा है। ठीक है, अगला। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बहुत कंजूस व्यक्ति जो ये मानते हैं कि चाहे हमारी चमड़ी निकल जाए, दमड़ी का मतलब होता है, लेकिन पैसे जो हैं वो बिल्कुल ना जाएं, ऐसे ऐसे लोग, बहुत कंजूस लोग, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाला परिमल तो उन आदमियों में हैं जो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए में विश्वास रखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंजूस हैं। ठीक है, आगे। नेक्स्ट बेटे, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। ठीक है, जिसको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, जो कभी स्कूल नहीं गया, बिल्कुल अनपढ़, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि राधा, तो राधा के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, वो कभी स्कूल गई ही नहीं। ठीक है, जिसको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता। हैप्पी बसंत पंचमी ऑल ऑफ यू। अगर मैंने नहीं कहा है लेकिन मैंने लिखा है, काइट्स भी बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो जब आप फ्री हो जाओगे जरूर उड़ाएं काइट्स। ठीक है, और बताइए अगला। जल में रहकर मगर से बैर। जल में रहकर मगर से बैर कि ऐसी कंपनी जहां किसी का बहुत वर्चस्व चलता हो, जैसे बॉस से पंगा ले लेना है, तो हम भी ये कहते हैं कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जा सकता। कि हम भी इस, अगर आपको किसी कंपनी में रहना ही है तो आप उसके बॉस से सीधी टक्कर नहीं ले सकते, तो ये होता है जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता। अगला बोलो। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब थोड़े से टाइम के लिए खुशी आ जाना और उसके बाद फिर जो है, उसका बेटा विदेश से कुछ दिन के लिए आया है और जल्दी ही चला जाएगा, उनके लिए तो चार दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। ठीक है, और बोलिए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ, चीज को जड़ से ही, अगर जो कोई फसाद की जड़ है वो ही खत्म कर दी जाए तो तब ये इस्तेमाल किया जाता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रीता और मीना किताब के लिए लड़ रही थी, किताब माँ ने उठाकर सीता को दे दी या किसी और को दे दी, ये तो वही बात हुई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना चीज होगी ना उसके लिए झगड़ा होगा, मतलब उस चीड़ को वजह और उस चीज को हम जड़ से ही खत्म कर दें। नेक्स्ट।
हाथ कंगन को अरसी क्या, हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मैंने आपको बताया था मुहावरा, पूरा नहीं है पूरा मुहावरा, ये बाल्यकोक्ति ये है, हाथ कंगन को अरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि जो काबिल व्यक्ति है उसे किसी बात की दुविधा नहीं हो सकती, उसके लिए फारसी भी कोई चीज नहीं है, वो पढ़ा लिखा है तो कुछ दिन में वो फारसी भी पढ़ लेगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, कि जब हाथ कंगन तो उसमें उस उनके लिए आरसी क्या है, तो इसी तरह पढ़ काबिल व्यक्ति के लिए जो कुछ भी है वो मुश्किल नहीं होगा। तो तब हम इस्तेमाल करते हैं कि राम बहुत काबिल इंसान है, अगर उसको नौकरी भी नौकरी से निकाल भी दिया जाए तो कहीं अच्छी जगह उसको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उसके लिए कहा जा सकता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आई थिंक ये लास्ट मुहावरा था। यस मैम। लकोक्ति मुहावरा कहती जा रही हूँ, ये लकोक्तियां हैं। लकोक्तियां मैंने आप बताया था कि मुहावरों से अलग होती हैं। मुहावरे जो हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, लकोक्तियां वाक्य के अंत में इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप जरा एक समास पर नजर डाल लो। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि समास हमने किया है या नहीं किया है, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं करवा चुकी हूँ, समास मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैं समास नहीं किया, हमने नहीं किया ना, या मुझे याद था कि ये एक टॉपिक रहता है, बाकी हमारा सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मंडे से जो हमारे पीरियड दोबारा शुरू होंगे, अब जो अगला हफ्ता है हम रिवीजन शुरू कर देंगे, ठीक है। लिटरेचर का जो चैप्टर है इस टर्म का वो शुरू करेंगे, सारी रिवीजन। चलिए जी, समास जब दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे नील प्लस कमल, नील कमल। ठीक है, गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। गगनचुंबी बिल्कुल, दो शब्द गगन और चुंबी। ये है समास शब्द और ये है समास विग्रह। साथ में याद रख लो, समास विग्रह क्या होता है, जब इन शब्दों का हम विग्रह करके लिखते हैं वो क्या है। ये सारी लाइन क्या है, समास विग्रह, दोनों आने पेपर में, समास और समास विग्रह। और ये जो गगनचुंबी है वो क्या है, समास। राह के लिए खर्च, राह खर्च। तो राह अलग शब्द है, खर्च अलग है, दो शब्दों के मेल से बना है। राह खर्च क्या है, समास, और ये क्या है, विग्रह, समास विग्रह। अब आपको अकेला समास तो नहीं आएगा, ये भी कर लिखा ये आएगा ना कि इन शब्दों का समास विग्रह कीजिए, तो विग्रह भी आपको पता होना चाहिए। अब समास करते हुए मैंने आपको सबसे आसान चीज क्या बताई थी, दो शब्दों का मेल और उत्तर पद और पूरब पद बताया था ना। पहले शब्द को हम क्या कहते हैं, जैसे हम लेते हैं नील कमल, ये क्या है, उत्तर पद, ये क्या है, पूरब पद। बस इतना याद, ये जो है याद रखना है आपने, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा भेद आते हैं, कितने हैं समास के भेद, कितने हैं? जल्दी बताओ मैम। छह। सबसे पहले है तत्पुरुष अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समास। चलो अव्ययी ले लो यार, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, जहां ये पूर्व पद है वहां पे क्या लगता है, उपसर्ग लगा लो, ठीक
ठीक है, जहां ये पूर्व पद है वहां पे उपसर्ग है, ये क्या है अव्ययी भाव समास। और अगला शब्द जैसे बे मतलब, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, उत्तर पद में लगा है मतलब, और पूर्व पद में क्या है बे, तो ये उपसर्ग है, पूर्व पद में जब लगा है इसे हम क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन बताइए जी, इसमें पूर्व पद में क्या लगा है, जल्दी से मैम। प्रति मैम, प्रति मैम, प्रति। हाँ, तो प्रति क्या है उपसर्ग है, दिन जो है वो उत्तर पद है। तो जहां पे शब्द के आगे आपको उपसर्ग दिखाई दे या इस तरह प्रति, यथा शक्ति, यथा शक्ति, अव्ययी शब्द आपको पूर्व पद में दिखाई दे, जहां अव्ययी शब्द आपको पूर्व पद में दिखाई दे वहां क्या होगा अव्ययी भाव समास। समझ में आ गया? प्रतिदिन, बेमतलब, सपरिवार, बिल्कुल, यथाशक्ति, यथासंभव, दिनों दिन, रातों रात, दिनों दिन भी होगा वो दिनों दिन, दिन प्रतिदिन, ठीक है, इसी तरह रातों रात, रात प्रति रात, दिनों दिन, रातों रात, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, बेमतलब, सपरिवार, कुकर्म, ये सारे शब्द किसमें आएंगे अव्ययी भाव समास में, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्व पद है उसमें सारे अव्ययी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। कोई इसमें डाउट है? पूर्व पद में हम हमेशा अव्ययी शब्दों का इस्तेमाल जहां करते हैं वे समास क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास। किसी को कोई अव्ययी भाव समझ में नहीं आया प्लीज पूछें। ओके, अव्ययी भाव समास समझ आ गया? आगे आइए जी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वो समास है, इसमें इस तरह याद रखिए, उपसर्ग मतलब अव्ययी शब्द पूर्व पद में, इसमें याद रखिए क्या इंपॉर्टेंट है, कारक, कारक के सारे एलिमेंट इसमें आते हैं, ये की है जानने पहचानने के लिए कि ये कौन सा समास है। की का मतलब होता है कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके गेम में भी होते होंगे कि इसका ये लूप होल है, ये की है, ऐसे हम करें तो गेम इस तरह हो सकता है। इसी तरह अव्ययी भाव में उपसर्ग जो है वो पहले क्या है लगते हैं, अव्ययी शब्द, जितने ऐसे शब्द जिनका कोई खास मतलब नहीं होता, अकेले शब्द होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं अव्ययी शब्द। तो जहां पहले में ही अव्ययी लग जाए वहां पे क्या होता है अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास जिनका विग्रह है समास के द्वारा, कारक के द्वारा किया जाता है, जैसे मैंने आपसे पहले लिखवाया था राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो ये जो के लिए है वो क्या है कारक, कौन सा कारक है के लिए, कुछ पता है कि नहीं, के लिए किसके साथ लगता है कारक, भी नहीं इनको ढंग से आते, देखो के लिए संप्रदान में होता है हमेशा, गगन को चूमने वाला, ये भी तत्पुरुष समास है, को जो है वो कारक है, ठीक है। इसी तरह राजा का पुत्र, राजपुत्र,
राजा की कुमारी, राजकुमारी। अब समास के हिसाब से अगर इसकी डेफिनेशन मैं दूं तो इसमें यह है कि पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों बराबर के शब्द लगे होते हैं। दोनों शब्द जो हैं, पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है, उससे रिलेटेड जो दूसरा शब्द होता है, राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह की प्रधानता ज्यादा है, तो ये तत्पुरुष समास है। इसी तरह गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, तो गगन की प्रधानता इसमें ज्यादा है, तो ये भी क्या है, तत्पुरुष समास। इसी तरह राजा का पुत्र, मतलब किसका पुत्र है, राजा का, तो राजा शब्द की प्रधानता, इसमें जो फर्स्ट शब्द है यही है, हाँ इंटरचेंज, हाँ जी, फर्स्ट शब्द की जो प्रधानता है वो क्या है, तत्पुरुष समास। ठीक है, मैंने आपको बताया पूर्व पद और उत्तर पद, आप पूर्व नहीं याद रखना चाहते तो फर्स्ट सेकंड कर लें, तो जहां पूर्व पद प्रधान होता है वहां क्या आएगा, तत्पुरुष समास। समझ में आ गई। और दूसरी इसकी की क्या है, कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कारक शब्दों के साथ विग्रह होगा। कारक शब्द कौन कौन से हैं, में, पर, काके, की, है ना, याद है, ने, में, पर, का, हो, के लिए, ये सारे शब्द कौन से हैं, कारक हैं। तो जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कारक शब्दों का इसतेमाल होगा, तो वो सारे किस में आएंगे, तत्पुरुष समास में। अगर आपको इस तरह समझ आता है तो ये समझिए, अगर नहीं समझ आता तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो पूर्व पद है उसमें हम जिस शब्द को ज्यादा स्ट्रेस, जिससे अगला शब्द रिलेटेड है अगर वो प्रधान है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। अगला बोलिए, अव्ययभाव द्विगु समास। द्विगु समास बहुत इजी है, इसमें क्या है, पूर्व पद में हमेशा संख्या का उपयोग होता है। ठीक है, पूर्व पद में किस चीज का इस्तेमाल होगा, संख्या का, पूर्व पद ही ज्यादा महत्व है, मतलब जो फर्स्ट वाला वर्ड है वही महत्व है। जैसे मैं कहूं त्रिफला, तीन फल, ठीक है, तो यहां पे जो पूर्व पद है उसमें क्या लगा है, तीन, और तीन क्या है, संख्या, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये क्या है, संख्याएं हैं। जहां इस तरह उस पे आ जाए, आपको तीन फल इस तरह विग्रह करने पर पता चले वो क्या है, द्विगु समास। चौराहा, चार राह, पंचवटी, नवरात्रि, नवरत्न, बिल्कुल ठीक, नौ रातें, नौ रत्न। समझ में आ गया, जहां पूर्व पद पे क्या लगा है, संख्या लगी है, वो सब किस में आएंगे, द्विगु में। आगे आइए बेटे, मैम त्रिशूल। मैम त्रिशूल हो गया, मैं ये अगला पूछ रही हूँ, ये समझ में आ गया सबको, जो पूर्व है उसमें संख्या का इस्तेमाल होता है, इसका की इंग्रेडिएंट क्या है, संख्या, जहां संख्या वाले शब्द होंगे वहां द्विगु समास होगा। नेक्स्ट, द्वंद्व समास, याद रखिए विलोम, विरोधी शब्द, दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान, राजा रानी, दिन रात, ठीक है, तो ये सब क्या है, द्वंद्व समास, जहां पे क्या शब्द लगेंगे, विलोम शब्द, ये आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद, पांचवा बोलिए, कर्मधारय, कर्मधारय में जहां विशेषण लगा हो और विशेष्य हो,
उपमा उपमान हो, दोनों में फर्क है याद रखें, विशेषण विशेष्य, उपमा उपमान। ठीक है, नील गगन विशेषण और विशेष्य, नीलाकाश, नील गगन नीलाकाश विशेषण और विशेष्य। चंद्रमुख, मुखड़ा चंद्रमा के समान, उपमा उपमान। ठीक है, कर्मधारय समास जिनमें पूर्व पद में विशेषण लगा हो और उत्तर पद में विशेष्य, इसी तरह पूर्व पद में उपमा और उपमान विशेष्य लगे हो, जहां इन दोनों का आपको दिखाई दे कि पूर्व पद में ये है, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, फर्स्ट में ये और सेकंड में ये, वहां पे सब क्या होगा, कर्मधारय। ठीक है जी, नीलकंठ नीला गला कर्मधारय। चरण कमल, कमल के समान चरण मुलायम, तो उपमा उपमान, जहां विशेषण विशेष्य उपमा उपमान लगे हैं वो सब किस में आएंगे, कर्मधारय। लास्ट आइए बहुव्रीही, बहुव्रीही समास में क्या होता है, जब हम कहते हैं ये फर्स्ट वाला भी बेकार है सेकंड वाला भी बेकार है, हम किसी तीसरे वाले को प्रेफरेंस दे देते हैं, फर्स्ट पद भी नहीं आएगा, उत्तर पद भी नहीं आएगा, कोई तीसरा ही बना लेंगे, और इसमें सारे मैथोलॉजिकल मतलब जो देवी देवते भगवान हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है जी, ये आपको अच्छी तरह से आता ही है, दशानन, दश, दस सिर वाला, अर्थार्थ रावण, तो हम ना दस ले रहे हैं ना सिर ले रहे हैं, हम किस तीसरे पर जा रहे हैं, वो तीसरा कौन है, रावण है, तो वो किस में आएगा, बहुव्रीही समास में। एक दंत, एक दांत वाला गणेश, अर्थार्थ गणेश, तो वो किस में आएगा, बहुव्रीही, ना हम एक की बात कर रहे हैं ना पूर्व पद की, ना दंत की ना उत्तर पद की बात कर रहे हैं, हम इन दोनों को मिलाकर जो तीसरा प्रेफरेंस हमें दे रहा है, एक दांत वाला अर्थार्थ गणेश, किसी तीसरे की बात हो गई, दोनों पद हमने जो साइड पे कर दिए, तो ये जो तीसरे की हम बात करते हैं वो किस में आएंगे, बहुव्रीही में। नीलकंठ, नीले गले वाला अर्थार्थ शिव, ना हम नीला ले रहे हैं पूर्व पद, ना हम गला ले रहे हैं उत्तर पद, हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की अर्थार्थ शिव की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, बहुव्रीही समास। पीतांबर, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला अर्थार्थ विष्णु या कृष्ण, तो वो क्या है, बहुव्रीही समास, ना हम पीले ले रहे हैं ना हम वस्त्र ले रहे हैं। अब दोनों में फर्क कैसे होता है, द्विगु में भी बहुत बार शब्द यही आ जाते हैं, बहुव्रीही में, कर्मधारय में, तत्पुरुष में, तो शब्दों का विग्रह जब हम करते हैं, जैसे कर्मधारय में अगर मैं लिखूं पीतांबर, अगर मैं इसका विग्रह इस प्रकार करती हूं, पीले वस्त्र, प्लस नहीं लगाना विग्रह करते हुए कभी भी, समझ गए, प्लस की वजह से आपके मार्क्स कटे थे, पीले वस्त्र, ये किस में आएंगे, कर्मधारय में, क्योंकि ये विशेषण है ये विशेष्य है। अगर मैं इसी को ये इस तरह लिखूं, पीले वस्त्र धारण करने वाला, तो ये क्या होगा, बहुव्रीही। ठीक है, जैसा हम विग्रह करेंगे वैसा ही भेद हम लिखेंगे। अगर आप पीले वस्त्र लिखते हैं तो ये हमेशा कर्मधारय समास होगा, अगर आप लिखेंगे पीले वस्त्र को धारण करने वाला तो ये बहुव्रीही ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना। पीतांबर आपको दिया गया है, विग्रह करके देखें, जिस हिसाब से आप विग्रह करेंगे उसी हिसाब से आप समास लिखेंगे। ठीक है जी, बाकी इसकी एक्सरसाइज मंडे में एक बार दोबारा कर लेंगे, और रिवीजन अब शुरू, हमारा सारा सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है।